अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, सभी देखने वालों का वेलकम है मेरे शो में जिसका नाम है लो सांबो। आजकल एक और बात बड़ी आपको मिलेगी। देखे जी, घर में दो बड़े लड़ पड़े ना, छोटों का कोई काम नहीं है। ऐसा इंसान गुमराह है तो मैं तो खोते वाला फतवा ला देना। बात बात है ओए लानतियो, अब बेशर्मो, जो सहाबा किराम के दरमियान होने वाले इख्तलाफात को आपस में बैठ के जेरे बहस लाता है। ओ सरकार, बुहारी मुस्लिम पढ़ो, निकलो अपनी खुटा तो बाहर, दुनिया चेंज हो चुकी है। उस शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं क्यों बताऊं? खानदान के दो बच्चे बैठ जाएं और परदादा और उनका भाई, उनके दरमियान जो इख्तलाफ हुआ था उसको लेके बैठ जाएं। दादा बड़ा जालिम था, परदादा उससे बड़ा जालिम था, नहीं नहीं उसका भाई बेचारा ठीक था, तो अकलमंद लोग क्या कहेंगे कि तू कौन, तेरा मुंह फिटे मुंह और तेरा दादा, तुझे शर्म नहीं आती अपने दादे के बारे में बात करते हुए? कल का बच्चा तू और गलती निकालने बैठ गया दादे और परदादे की। अरे सारी कायनात के दादे कुर्बान हो जाएं अमीर माविया के कदमों पर। चलो इधर भी जवाब ले लो, दो बड़े अगर लड़ रहे हो, उनके छोटों का काम है कि उन दो बड़ों को बताएं कि आपका जो बड़ा था ना दादा चाचू जी ते अब्बा जी, जेड़े साढ़े दादा जी सन ना, उन्होंने यह चीज की थी, तो तुसी इस मसले चाचू ज्यादती कर रहे हैं, इस मसले ताया ज्यादती कर रहे हैं, यही कहा जाएगा ना, तो इसको कोई बदतमीजी समझेगा? और यहां तो ये बात ही नहीं सरकार, हम तो ये कह ही नहीं रहे, हम अपनी तो बात कर ही नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं कि नबी इस्लाम ने फरमाया है कि मार को बागी जमात कत्ल करेगी। हम तो ये कह ही नहीं रहे हैं बनू उमैया के मानने वालों को कि देखो हम आपको बता रहे हैं कि वो बागी जमात थी। आया ना दाड़ थले।